जनसंपर्क कर सपा के पक्ष में वोट करने का जनता से की अपील। चौरी चौरा विधानसभा 326 चौरी चौरा क्षेत्र के ग्राम सभा जंग रसूलपुर नंबर 2 बरबसहा बल्लूघट्टा नौकाटोला सहित तमाम गांव में जाकर समाजवादी पार्टी के विधानसभा सचिव तथा जोन प्रभारी जय कुमार शाहनी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर विधानसभा चौरी चौरा से कैप्टन ब्रिजेश चंद्रलाल को विधायक तथा अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। उन्होंने मीडिया से वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में आम जनता परेशान है। युवा बेरोजगार भ्रष्टाचार चरम पर और संजय निषाद से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि संजय निषाद अपने समाज को ठगने का कार्य किए। उन्होंने कहा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने निषाद पार्टी व भाजपा की संयुक्त रैली के लिए निषादों को आरक्षण दिलाने के नाम पर लखनऊ बुलाया, लेकिन वहाँ आरक्षण की कोई बात नहीं की। और निषाद समाज अब जान चुका है कि संजय निषाद सिर्फ निषाद के नाम पर अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जिला संवाददाता गोरखपुर से रजत कुमार शुक्ला के साथ विनोद पासवान की रिपोर्ट। संयुक्त प्रत्याशी यहाँ उतारे हैं और आप एक निषाद समाज से आते हैं, आपका समाज इस समय कहाँ जाएगा? सर, अब मेरा समाज एकदम चैतन्य है, होशियार है। वो जान रहे हैं कि उनको कहाँ रहना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो निषादों का सम्मान दिए हैं, यह मेरा सारा निषाद समाज जानता है। मेरा समाज इसलिए जानता है, जो आज बीजेपी के प्रत्याशी बन के आए हैं, कहीं न कहीं उनको भी, उनके भाई प्रवीण निषाद जी को भी सांसद बनाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का ही देन है। तो हमारा समाज यह जान चुका है, यह केवल निषादों का नाम ले लेके अपनी दुकान चला रहे हैं। अब इनकी दुकान बंद होने वाली है, अब यहाँ रहने वाले नहीं हैं, इनके साथ कोई नहीं रहेगा। सारा निषाद समाज जान चुका है। समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा के अगर देखते हैं तो सारे निषादों का नाम भरा पड़ा हुआ है, चाहे मनोहर लाल निषाद हों, चाहे जमुना प्रसाद निषाद हों, स्वर्गीय जमुना प्रसाद निषाद हों, चाहे फूलन देवी हों, चाहे राम सुंदर दास निषाद हों, चाहे नगीना प्रसाद शाहनी हों, चाहे श्यामदेव निषाद हों, चाहे जितेंद्र निषाद हों, चाहे आपके विशंभर प्रसाद निषाद हों, राजपाल कश्यप आदड़ी हमारे प्रदेश के पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तो वो सब जानते हैं कि निषाद समाज का भला और सम्मान कहाँ है, वो समाजवादी पार्टी में है। ये सारे निषाद जान चुके हैं। संजय निषाद तो कहते हैं निषाद मेरा है। नहीं, निषाद किसी व्यक्ति का नहीं है। निषाद का वो मोहर लगा के हम आपको नहीं भेजे हैं। मेरे निषाद भाइयों से मेरा पूरा अनुरोध है कि ऐसे बहुरुपयोग को छोड़ने की ज़रूरत है, या निषाद का नाम ले लेके जो अपनी दुकान चला रहे हैं, इस दुकान को अब हमारे सभी निषाद भाई मिलके इस दुकान को अब बंद करेंगे। निषाद पार्टी के कुछ लोगों द्वारा एक बैंग बोला जा रहा है कि अब की बार निषाद भारी और अब की बार पटक के मार, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ निषादों का नाम ही लेके वो पटक के नहीं मार पाएंगे। मैं निषाद भाइयों को सचेत करना चाहता हूँ कि जो उनकी 15 लिस्ट आती है बीजेपी के द्वारा, उनको 15 ठो सीट दिया जाता है, उस 15 में मेरे एक भी भाई, किसी दलित पिछड़े से छोड़िए, कोई निषाद भाई का एक भी नाम नहीं आता है। सिर्फ एक नाम आता है, वो भी इंजीनियर सर्वन निषाद का, वो भी उनके बेटे निकलते हैं। तो एक परिवार बात की अपनी पार्टी बनाए हैं, अपनी परिवार की ये भला चाहते हैं, इसलिए इसमें कोई पटक के मारने वाली बात नहीं है। यहाँ निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ है।